अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैं काट रही थी भिंडी, भिंडी बनानी थी मुझे घर के लिए। और जो मेरे घर के पास में पीजी है वहाँ पर बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चों को भी चाहिए रहता है खाना। तो उनमें से किसी बच्चे ने कहा था कि आंटी मुझे भिंडी बना के खिला दो, तो बस वहाँ भी जानी थी और घर के लिए भी। इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है, पीजी पास में ही है तो बच्चे खुद से आके ले जाते हैं। वो मुझे कॉल पे बता देते हैं हमें इतने लोग का खाना चाहिए और इतनी देर तक चाहिए, तो बस इतनी देर में मैं फिर रेडी करती हूँ। तो भिंडी इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, पहले मैंने रेडी करके उस बच्चे को ही पहुँचवा दिया था खाना। नीचे ही आ जाते हैं बच्चे लेने और मैं नीचे तक पहुँचा देती हूँ। अगर बच्चे होते हैं घर पर तो बच्चे दे आते हैं वहीं जाके, अदरवाइज़ मैं ही नीचे जाके दे आती हूँ, बच्चे ले जाते हैं आके, क्योंकि पास में ही तो है ना। और बस अभी काम करते करते इतनी आदत हो गई कि थोड़ा सा भी आलस नहीं आता है, जल्दी जल्दी फटाफट बना लेती हूँ रोटी। यहाँ तो खैर मैंने स्पीड तेज़ की हुई थी, लेकिन फिर भी आलस अब नहीं आता है। पहले तो थोड़ा बहुत आलस कर देती थी घर के लिए, जैसे खाली घर के लिए रहता था। अभी जब से ये काम स्टार्ट किया है तो अभी आलस नहीं आता, जल्दी फटाफट बना लेती हूँ। और कितनी प्यारी रोटी फूली फूली बनती है, जो रोटी फूलती नहीं वहाँ दिल छोटा हो जाता है। सारी रोटी फूली फूली बननी चाहिए, फूली रोटी। हालांकि जोमेटो स्विगी से तो ये मैं अब कर रही हूँ काम, और इस काम को मैं टिफ़िन सर्विस के काम को तो मैं 2016 से कर रही हूँ, तो कितने साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, 7-8 साल हो गए रेगुलर करते हुए इस काम को, तो काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो अब जब फिर जहन में आया कि चलो इसे जोमेटो पे भी कर लेते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा आसानी हो गई। तो मेरा ऑफलाइन भी खाना जाता है और ऑनलाइन भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और काम रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, टाइम भी पास होता है, घर में खाली बैठ के कुछ नहीं हासिल होने वाला होता है। खुद से मेहनत करके जो 2 पैसे कमाए हुए होते हैं उसे खर्च करने की बात ही कुछ और होती है। हमेशा से ही काम किया तो इसलिए काम करने की आदत रही, खुद से काम करके कमाने की पैसे, तो आज तक वही आदत है, खाली नहीं बैठा जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ ना कुछ काम हाथ में रहना चाहिए। सिलाई आती है, सिलाई भी कर लेती हूँ, खाने का भी काम कर लेती हूँ। मतलब किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझती कि कोई काम छोटा या बड़ा है, 2 पैसे अपनी मेहनत से कमने चाहिए बस। और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को खर्च करने की का मज़ा कुछ और ही होता है। 2-3 चीज़ें मुझे हमेशा रेडी रखनी रहती हैं, क्योंकि बच्चे किसी भी टाइम खाना ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं, तो इसलिए मुझे रेडी रखनी होती है हर चीज़। जो चीज़ रेडी नहीं होती तो फिर उस टाइम पर मुझे दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए अभी मैंने इसके भिंडी के साथ मैंने दाल मखनी भी बनाई हुई थी, और वो भी बहुत ही मज़े की बनी थी। इसीलिए मैं सब्ज़ी भी लेने कहीं दूर पार नहीं जाती, यहीं फ़ोन नंबर ले रखा है सब्ज़ी वाले भैया जो ठेली पे घूम घूम के जो बेचते हैं, वही उनमें से एक भैया बहुत अच्छे से सब्ज़ी दे के जाते हैं, मतलब ताज़ी सब्ज़ी होती है उनकी एकदम, तो उनका ही फ़ोन नंबर मैंने लिया हुआ है, उनको ही फ़ोन कर देती हूँ। और वो 2 बजे के टाइम में ज़्यादातर आते हैं, दोपहर में या फिर शाम में 9 बजे के आसपास ऐसे आते हैं इधर के साइड, तो मैं उनको उसी टाइम से पहले कॉल कर देती हूँ कि भैया इधर आओगे तो मुझे भी सब्ज़ी दे जाना, तो वो फिर आते हैं तो मुझे कॉल कर देते हैं। और फिर जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। लेना होता है सब्ज़ी और जी हमारे क्लाउड किचन में सुबह में ही मॉर्निंग में आ गया ये कोरमे का ऑर्डर, और जी मैं इसको करने लग गई रेडी, और यहाँ अच्छे से पैकिंग भी हो गई थी। और यहाँ राइडर भैया को ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहा था आने में, और जी चलो चलते हैं ये ऑर्डर लेके नीचे देने के लिए, राइडर भैया पहुँचने वाले होंगे, इतने हम चलते हैं नीचे लेके। और जी हमारे कोरमे का ऑर्डर चल रहा है नंबर 1 पे, क्योंकि उसका टेस्ट एक बराबर रहता है, क्योंकि मैं हर चीज़ को नाप तोल के करती हूँ, तो इसलिए एक बराबर मेरा टेस्ट रहता है और बहुत ही मज़े का होता है। और जी ये भैया राइडर भैया आ चुके हैं, इनके हैंड ओवर कर रहे हैं हम। आपका क्या नाम है? अमन भैया आ चुके हैं और इनको हमने ये हैंड ओवर कर दिया। और जी यहाँ मैंने बनाई थी खिचड़ी, बच्चों ने फ़ोन करके कहा था कि आंटी खिचड़ी बना देना आप हमारे लिए, तो ये मैंने बनाई थी खिचड़ी। और इसका मुझे एक बेनिफिट और हुआ, फिर मुझे स्विगी पे भी ऑर्डर आ गया खिचड़ी का, तो बस बच्चों को भी दे दी और स्विगी पे भी चली गई खिचड़ी।
और मैंने यहाँ पे फ्रिज का सामान बाहर निकाल के रखा हुआ था क्योंकि मुझे दोनों फ्रिज की सफाई करनी थी, तो सारा सामान बाहर निकला रखा हुआ था। यहाँ अचार का पैकेट निकाल रही थी मैं क्योंकि मुझे फ्रिज की ज़्यादा जल्दी जल्दी सफाई करके रखनी होती है, मतलब क्लीनिंग रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि होटल के जैसा रखना है, हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। तो फ्रिज की सफाई हर आठ दिन में दो बार कर लेती हूँ मैं, एक बार इस फ्रिज की, एक बार इस फ्रिज की, ऐसे करके करती हूँ। और ये यहाँ पर रात 9:30-10 का टाइम हो रहा था जब मैं ये देने जा रही थी बच्चों को नीचे। और जी बस ये ऑर्डर देने के बाद में स्विगी वाले भैया भी, राइडर भैया आ गए, तो बस उनको भी हैंड टू हैंड ऑर्डर सेंड कर दिया मैंने। भैया ने भाई को और जी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।